ऑयल ले लेते हैं, अदरक लहसुन हम इसके डाल देते हैं। और आटा मिला, आटा जब डालेंगे ना तो आपको चम्मच हिलाते रहना है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, निहारी हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। देख सकते कलर कितना अच्छा है, बहुत मजे का, बहुत दाग बना है सालन, और मेरी नवासी ने बनाया है, वैसे ही अच्छे खाने बनाती है माशाल्लाह। खुशामदीद, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं बहुत बढ़िया से होंगे। तो भाई आज जो है मैं बना रही हूँ मजेदार नानी के लिए निहारी, और निहारी के लिए यहाँ से मैंने गोश्त ले लिया। देख सकते हैं ये दो जो है राने हैं, बाकी जो है दूसरा जो गोश्त है, तो ये सब मिक्स करके जो है मजेदार निहारी बनेगी, और बड़े अच्छे शोरबे वाली और बहुत जूसी जूसी बनेगी। तो ज्यादा कुछ नहीं करना निहारी के लिए, हमने लेना है सबसे पहले ऑयल ले लेते हैं एक पीस इतना, क्योंकि ऑयल ज्यादा होना चाहिए। और फिर हमने क्या करना है, ऑयल को थोड़ा गर्म करना है, और फिर इसके अंदर हमने डालना है अदरक लहसुन। तो फ्रिज में अदरक लहसुन ले लेते हैं, अदरक लहसुन ये रहा, अदरक लहसुन हम इसके अंदर डाल देते हैं। और डाला अदरक लहसुन होनी चाहिए, खुशबू भी आती है, और जैसे गोश्त की बच्ची होती है उसका निकल जाती है। पढ़ करेंगे, चमचा नानी का छोटा है, इसकी थोड़ी ब्राई करने के बाद फिर जो है गोश्त का सारा पानी खुश्क हो जाए, फिर इसके अंदर हम डालेंगे निहारी का चाचा और पीसी मिर्चे, जीरा निहारी का चाचा है, थोड़ी सी पीसी मिर्चे रहेंगी, आ गई पीसी मिर्ची, पानी बड़े मजेदार बनेगी इंशाल्लाह ताला। पानी गोश्त का पानी निकल जाए, सारा सूख जाए। अच्छा डेगची आपने बड़ी लेनी है तो आपकी निहारी तो सही पकेगी, डेगची बड़ी होगी तो सही पकेगी निहारी आपकी। चले जी, अब ये हम इसके अंदर डाल देते हैं पीसी मिर्चे, पैकेट। अच्छा इसके नहारी का चाटा डालने के बाद भी आपने कपड़ा की मदद से कपड़ा पहन लेना, कपड़े की मदद से फ्राई करनी है। एक मिनट, बहुत साफ करने के बाद भी थोड़ा कुछ ना कुछ आ ही जाता है। फिर इसके अंदर पानी डालेंगे कम से कम, देखिए आप इतनी बड़ी डेगची हमने इसके अंदर पानी डाल देना है, क्योंकि हमने इसको खूब पकाना है, ये हमने डाल देना है क्योंकि हमने इसको ज्यादा खूब पकाना है, गलाना है, इतना ज्यादा गलाएंगे उतना अच्छा गोश्त गलेगा और जायकेदार होगा। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो गोश्त जो है बिल्कुल गल चुका है, हलवा हो चुका है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखो माशाल्लाह बिल्कुल गल चुका है, और यहाँ आटा भी गुन गया है रोटी पकाने के लिए, और ये देखिए माशाल्लाह पूरा हलवा हो चुका है, गोश्त अलग हो चुका है हड्डी में से। तो अब आ रही है इसके अंदर आटा लगाने के लिए, और आटा मिला, आटा जब डालेंगे ना तो आपको चम्मच हिलाते रहना है,
इसके अंदर आटा डाल दिया है। अब आटा डाल के इसको हम पकाएंगे, सही है। थोड़ा पानी और डाल देते हैं। आटा डाल के अब इसको पकाएंगे। पकाने के बाद आखिर में हम इसके ऊपर डालेंगे गरम मसाला और अदरक, और फिर लीमू और हरा धनिया के साथ पेश करेंगे। अब इसको खोल आने के बाद फिर इसको हमने हल्की आंच पे पका देना है, ठीक है जी। खोल आ जाए, खोल के बाद इसको हमने हल्की आंच में पकाना है, बिल्कुल हल्की आंच कर देना है कि आटा हमारा पक जाए। आटा को कच्चा नहीं रखना है, आटे को आपने कम से कम आधे घंटे तक पकाना है। हाँ, हमारी निहारी निहारी गलत चेक करें माशाल्लाह। अभी अभी इस वक्त हम नमक चेक कर लेते हैं कि नमक हमारा आटा डालने के बाद नमक कम हो जाता है, तो नमक देख लेते हैं। बिस्मिल्लाह, नमक कम है, नमक डाल देते क्योंकि अभी आटे डाले ना, आटे में डालने के बाद नमक कम हो जाता है। तो ये हमारा खोल आ गया, अब इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल देना, नमक डाल के दो। ये इसके अंदर हमने थोड़ा सा नमक डाल देना है क्योंकि छाछे में भी नमक था, अभी आटा मिलाया ना, तो आटा डालने के बाद नमक कम हो जाता है। तो ये हमने नमक डाल दिया और हमारा निहारी माशाल्लाह बस थोड़ी देर में रेडी हो जाएगी। आधे घंटे तक इसको पकाएंगे और इसका रोगन हमने आपने खत्म नहीं करना, रोगन खत्म हो जाएगा निहारी का कलर सारा खराब हो जाएगा। ये रोगन है ना, इसको रोगन को आपने खत्म नहीं करना है, सही है। अब इसको खूब पकाएंगे, थोड़ा सा आधे घंटे तक पकाएंगे। फिर पकाने के बाद इसके अंदर हरा धनिया काटेंगे अलग से, नींबू काटेंगे, हरी मिर्च काटेंगे और इसके ऊपर जो है हम गर्म मसाला छिड़क देंगे। मैं निहारी तैयार हो जाएगी, फिर रोटी पकाएंगे, पानी को खिलाएंगे। मजेदार आज की रेसिपी निहारी। नानी, निहारी के साथ चावल खाओगी रोटी खाओगी? चावल खा लूंगी, रखे हैं चावल, हाँ रखे हुए हैं, वो खा लूंगी। सही पर पकने वाली निहारी, खुशबू आ रही है? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, निहारी हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। देख सकते कलर कितना अच्छा है। अब इस प्रोसेस में हम डालेंगे इसके अंदर गरम मसाला, ये देख सकते हैं गरम मसाला डाल दिया है। और गरम मसाले के लिए बस थोड़े से 2 मिनट तो इसको पकाएंगे। और ये जी आज की हमारी मजेदार निहारी तैयार हो गई। इस बाउल के अंदर मैं निकालूंगी अपने मामू के लिए क्योंकि अपने मामू को खिलाऊंगी और उनको बहुत अच्छी लगती है निहारी, उनको मजा आता है खाने में, तो उनके लिए उनको मैं कटोरे में निकाल के उनको नीचे जाके देकर आती हूँ। और नानी को दूंगी चावल के साथ, नानी कह रही मुझे चावल के साथ देना। नानी अभी वॉशरूम गई है फ्रेश होने के लिए, वो जैसे आती है चावल के साथ उनको निहारी देती हूँ और उनसे पूछती हूँ, फीडबैक लेती हूँ कि कैसी बनी है निहारी। तो थोड़ा सा 5 मिनट के लिए खाते हैं। अच्छा जी, साथ साथ जो है मैंने जो है मसाला भी काट लिया है, हरी मिर्चे, नींबू, हरा धनिया, अदरक और ये देखें क्योंकि ये निहारी की जान होते हैं, निहारी के साथ मजे मजे की लगती है। तो नानी को चावल डाल के देती हूँ और देखती हूँ नानी से फीडबैक लेते हैं कैसा बनाए, डाल के देना। मैंने कहा अच्छा नानी आपको बड़ी हड्डी डाल के देती हूँ। और नानी को ना निहारी चावलों के साथ अच्छी लगती है, मैं चावलों के साथ खाऊंगी। ऐसा मैं नानी से रोटी थोड़ी चपती भी नहीं है, लेकिन हमारी मामी जो है ना पका के रख देती है तो वो जो है उनसे खत्म हो जाती है, दूसरे दिन की रोटी खाती है। मतलब एक रात को रात को रोटी पका के दे देती है मामी, फिर अगले दिन खा लेती है, चपाई जाती है, दांत नहीं है ना नानी के, तो चमचे के साथ नानी को देते हैं। चलो भाई नानी भी खाना दे रही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। चलो भाई नानी आगे खाना बताओ, भाई चक्के बताओ कैसा बना है, सही है। नींबू हरी मिर्च खाओगी? आंटी अब तुम भी बताना, चावल डालू? चावल ओटी। चलो बैठो वहां पे बैठो, अब खाना खाओ, खाने के मुझे जो है रोटी खाई लगे। बहुत मजे का, बहुत मजे का, बहुत बना है सालन, और मेरी नवासी ने बनाया है, वैसे ही अच्छे खाने बनाती है माशाल्लाह। मेरी खाला एक को की, हाँ हाँ हाँ, मेरी खाला कह रही मुझे भी यही वाला चाहिए, पाओ पाओ। क्या है ये, क्या है पाओ? मैं पाओ और लील ऐसे करो, और दाल बताना कैसा बना, बताना
चलिए आओ आओ उधर चलो उधर चलो 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 चलो। ये नानी का नानी का खाना था, ये खाला का खाना है और ये सारा मसाला। आ जाओ आ जाओ आ जाओ दीजिए। आओ बताओ कैसा बना है, बताओ कैसा बना है। भाई दुआएं मिलती हैं इनको खिला के, बहुत अच्छा लगता है। और नानी तो बेचारी जैसे तैसे करके कुछ ना कुछ पका लेती हैं और हाथ पांव चलाती रहती हैं, लेकिन मैं जब आती हूँ तो इस तरह की चीजें बना के इनको खिलाती हूँ। इनको अच्छा लगता है, इनको मजा आता है और इस तरह की चीजें इनको पसंद है। चटपटी चटखारेदार चीजें पसंद है इनको ना। अभी सब चीजें डाल रही है, हरी मिर्चे लीमो हरा धनिया। नानी कही थोड़ा अमन ना है, ओटी ओटी अमन नहीं है, ओटी का अमन नहीं है। हाँ ओटी अमन कैसे बने अच्छे सारे रखे। ये रे नहीं नहीं अच्छे नहीं है। अड़म 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 ये देखो अड़म 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 सही है सही है। मैं कह रही है बहुत मजे का बना, मैं थोड़ा सा नमक कम है क्योंकि आटे में नमक कम है। गड़म गड़म मैं भी चलाओ चक्के देखती हूँ कैसा बना है। ये रहो ओ गोश गले हुए, ये रहे गल गया नाजिम गोश, हलवा हो गया देखो, ये लो गोश गल गए। दो दो तोड़ते ना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी थी, बीच बीच में मैंने पढ़ ली बिस्मिल्लाह, वो बोला था बहुत मजेदार नाजी। आज की मजेदार निहारी और आज का मजेदार नानी, नानी के घर की व्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, मस्त मस्त बात करना। इस उम्मीद के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, जरूर निहारी को ट्राई कीजिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। इस अपने पन के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे जी ज्यादा दुआ में याद रखिएगा। देखते रहिए हमेशा की तरह सुनो छोटी व्लॉग।